हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ना हम बहुत ही जल्दी बनने वाली एक स्नैक्स बनाने वाले हैं। अगर आपको कभी भी समोसा खाने का मन हो और घर में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। आपको बहुत मज़ा आएगा इसे बनाने में भी और खाने में भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और उसमें लेना है हमें मैदा। एक कप मतलब कि 250 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और मैदे में हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, इस तरह से हाथों से क्रश करके डालना ताकि उसमें से अच्छा सा फ्लेवर निकले। और उसी के साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा कालिंजी, इसको भी थोड़ा सा क्रश करके डालना। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तो स्वाद के अनुसार में बस थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना है। और उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा तेल। तेल क्या करेगा, ये जो मैदे का जो ऊपर का लेयर बनेगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्रस्ट बनेगा। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अपने हाथों से। मैदे के साथ तेल बहुत ही अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, अगर आपके मुट्ठी के अंदर ये आ जाए तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो हमें नहीं बनानी है दोस्तों, जिस तरह से हम रोटी या पराठा के लिए तैयार करते हैं वैसा डो हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है आपको। तो ये देखो, ये अच्छी तरह से एक डो बन चुकी है। तो अभी हम इसके ऊपर से डाल देंगे बस थोड़ा सा तेल, और तेल के साथ हम इसको अच्छी तरह से लपेट लेंगे ताकि ये सूखे ना। और इसको ढक के हम साइड पर रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट तक हम बैठे नहीं रहेंगे, हम अंदर का मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिया है, उबले हुए आलू, दो मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। सादा नमक के जगह पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काला नमक, इसमें से एक चटपटा सा टेस्ट मिलेगा। एक छोटा चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर, और एक छोटा चम्मच हमें डालना है गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बस नींबू का रस डाल रही हूँ, बस खट्टापन के लिए, और कुछ नहीं डालना है। बस इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये जो फिलिंग बनी है ना दोस्तों, इसको ना आप गोलगप्पे के अंदर डाल के भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये रेडी है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं कि अपना डो कैसा है। तो ये देखो, डो बिल्कुल सेट होकर रेडी है। अभी इसको हमें लोइयां काटनी है। तो यहाँ पर मैं तीन लोइयां काट लेती हूँ इसके। और उसके बाद एक फ्लैट सरफेस हमें चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा छिड़कना है मैदा। और उसके बाद एक लोई लेना है, और जैसे आप रोटी या फिर पराठा बेलते हो ना, उससे ना थोड़ा सा बड़ा बेलना है आपको। और इसको हम बेल लेंगे बिल्कुल गोल शेप में। अगर आपको गोल रोटी बनाना नहीं आता है तो आप ना कैसे भी इसको बेल लेना, और एक बड़ा सा कटोरी ले लेना और उससे काट लेना। तो बस ये देखो, ये गोल बन चुकी है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमें इसको इस तरह से काट लेनी है, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा काटते हैं बिल्कुल वैसे। और उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा आलू का मसाला, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे हम, मतलब कि जो सिलेंडर शेप होता है वैसे हम करेंगे। और उसके बाद इसको हम रख देंगे इसके ऊपर, और फिर इसको हम राउंड कर देंगे। और ये जो एज है ना, ये तेल में जाते ही छूट जाएगा, इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है और इसको सील कर देना है। और बस ऐसे ही हम सारे के सारे तैयार कर लेंगे। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रख दी है, और ये देखो मैंने सारे के सारे तैयार कर ली है। तो अभी हम तेल में डाल देंगे एक एक करके। फ्लेम आपको रखनी है मीडियम पे, मीडियम फ्लेम पे ही ये सारे हम डाल देंगे, और इसको पलटते हुए हम फ्राई करेंगे। और तेल में डालते ही तुरंत बाद इसको पलटना नहीं है दोस्तों, नहीं तो अंदर की जो फिलिंग है ना वो निकल के बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा इसको सेट होने देना है तेल के अंदर, और उसके बाद इसको पलटना। तो जब तक ये एक सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाती है, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखो, ये तैयार है बिल्कुल। अभी इसको ना सर्व करना है बिल्कुल गर्मा गर्म, तभी जाके ना असली वाला स्वाद आएगा आपको।
अब ये देखो गर्मा गर्म रेडी होकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो थोड़ा सा काला नमक भी ऊपर से छिड़क सकते हो। और ये मैंने इसके साथ लिया है थोड़े से सेजवान सॉस, ये मैंने घर में बनाई है दोस्तों। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको देख लेना। और ये जो स्नैक्स हमने बनाई है ना दोस्तों, ये ना बहुत ज़्यादा यमी बनी है। आप अगर ये वाली रेसिपी एक बार घर में ट्राई करोगे ना, तो आप ना बाहर से समोसा खरीदना भूल जाओगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।